वेलकम बैक, मैं विशाल कुमार। हम लोग इस सेगमेंट में इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है हम लोग इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में, हमने यहाँ पर देखिए कितने कॉलम बनाए हैं, है ना, 5 कॉलम बनाया है। इसमें देखिए है डिसेंडेंट नेम है, जो भी हॉर्स है उनका वंशज का नाम है, ठीक है, कि जिस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ, है ना। तो सबसे पहले इवोल्यूशन कौन से हॉर्सेस का हुआ, तो यहाँ पर इओहिप्पस दिया हुआ है, दैट इज इओहिप्पस इनका हुआ। तो इस तरीके से नीचे की ओर होते चला गया, है ना। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बायोलॉजिकल हॉर्स के नाम दिए हुए। फिर तो उनका हाइट के बारे में हम लोग बताएंगे, वो किस तरीके से दिखते थे। उसके बाद हम बताएंगे कि उनके जो फोर लिम्ब थे उनमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन आए, है ना, उनके जो डिजिट में क्या क्या प्रॉब्लम आई या कैसे कैसे उनमें इवोल्यूशन होते गया, है ना। पीरियड के अनुकूल हम लोग देखेंगे कि आज से लगभग ये पहले कितने साल पहले आए, मतलब कि मिलियन ईयर्स अगो में हम लोग देखेंगे, मया में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की अगर बात करते हैं, मतलब कि जो इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास करते हैं, हिंदी में क्या करते हैं, जैव विकास करते हैं। तो हॉर्स का जो आपको जो साइंटिफिक नेम है इक्वस इक्वस होता है, आप लोग तो जानते हैं। तो यहाँ पर इओहिप्पस है, इओहिप्पस सबसे पहले जो हॉर्स का जो इवोल्यूशन हुआ आपको कौन सा डिसेंडेंट्स के रूप में, इओहिप्पस। इओहिप्पस से कुछ मिलियन ईयर्स हो बाद, है ना, बहुत सारे मिलियन ईयर्स हो बाद मेजोहिप्पस आया। उसके बाद मेजोहिप्पस के बाद इवोल्यूशन जो हुआ मेरिहिप्पस से पिलियोहिप्पस से इक्वस, ठीक है, इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इओहिप्पस देखते हैं। इओहिप्पस क्या था कि इओहिप्पस ऐसे घोड़े थे जो सबसे प्रथम आए थे, है ना, जो उनका जो अगर हाइट देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर हाइट देखेंगे, है ना, वर्टिकली, तो मात्र 0.4 मीटर लंबे थे, ज़्यादा नहीं लंबे थे। आजकल के जो हॉर्सेस होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, लगभग 1.6 मीटर लंबे होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं, है ना, लेकिन इनका जो हाइट है 0.4 मीटर है, यानी काफ़ी छोटे होते थे, इसलिए किसके जैसे लगते थे, रैबिट और फॉक्स लाइक लगते थे, है ना, यानी कि खरगोश लाइक लगते थे, लोमड़ी के जैसे देखने में लगते थे। इनका अगर फोर लिम्ब हम लोग देखें, आगे के पैर का मॉडिफिकेशन देखें, तो दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा एक ही आपको एकदम फ्लैट पर था, चारों जो डिजिट है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिजिट जो थे एकदम फ्लैट थे और एक ही लेवल के थे। ये आज से कितने साल पहले आए थे, 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे। तो ये हुआ आपका इओहिप्पस। समय बीतते गया, इओहिप्पस के जो रेसेस थे उनके जो रेसेस में काफ़ी चेंजिंग आती गई। इओहिप्पस आपको मेजोहिप्पस में क्या हुआ, इवॉल्व हुए। मेजोहिप्पस जो थे इनकी लंबाई लगभग इससे काफ़ी, जो रिप्रोडक्टिव जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर चलते गया स्पीसीज में, तो क्या हुआ कि यहाँ पर इवोल्यूशन के क्रम में, इवोल्यूशन में तो आप जानते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होता है, प्रॉपर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो काफ़ी लंबे समय के बाद क्या होती है, चेंजिंग आती है। तो यहाँ पर 0.4 मीटर से देखो, यहाँ पर 0.6 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, यानी कि हाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो किसमें, मेजोहिप्पस में। मेजोहिप्पस लगते थे आजकल जो देखते हो डॉग, है ना, तो डॉग के जैसे दिखते थे। इनमें जो चार डिजिट जो आपका फोर लिम्ब का जो डिजिट था इनका सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये क्या होते थे आपको लैंड पर एकदम सटे रहते थे, है ना, लैंड पर एकदम सटे रहते, लेकिन पांचवा जो डिजिट था आपको दैट इज वो हो करके मॉडिफाई हो गए, मॉडिफाई मतलब चेंज हो गए, चेंज हो करके क्या हुए, ये जो है अपर फॉर्म में हो गए, है ना, और सिर्फ सेकेंड थर्ड फोर्थ ही आपको सटे रहते थे। नेक्स्ट में है पीरियड की ओर देखें, तो ये आज लगभग 14 मिलियन ईयर्स वो पहले इनका इवोल्यूशन हुआ, ओके। नेक्स्ट है मेरिहिप्पस। मेरिहिप्पस जो अगर देखें तो इसका हाइट अगर देखेंगे तो 1 मीटर लगभग हाइट था, काफ़ी अच्छा, अगर देखें लगभग 0.4 जो मीटर है इसमें काफ़ी डेवलपमेंट आई पहले वाले से, है ना, मेजोहिप्पस से लगभग मेरिहिप्पस में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाइट में इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ये किसके जैसे लगते थे, इसके पहले मैंने देखा था कि कुत्ते जैसे लगते थे, डॉग लाइक लगते थे, लेकिन ये जो है डियर लाइक लगते थे, हिरन जैसे लगते थे, है ना। इनका अगर फोर लिम्ब देखा जाए, मॉडिफिकेशन, फोर लिम्ब मॉडिफिकेशन मतलब आगे का जो पैर का जो बनावट है किस तरीके से चेंजिंग आया, तो क्या हुआ, जैसे देखिए इसमें जो थर्ड जो डिजिट था, थर्ड डिजिट ही सिर्फ लैंड पर टच किया, काफ़ी जो थर्ड डिजिट है जो बोन है, और सेकेंड और फोर्थ डिजिट जो है ऊपर की ओर चले आए, है ना, तो सिर्फ लैंड पर थर्ड डिजिट, तो ये काफ़ी स्मॉल चेंजिंग हुआ, है ना, ये कि इसमें देखिए स्मॉल चेंजिंग नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग, क्योंकि पहले फिफ्थ था ही, फिफ्थ इसमें गायब हो गया, सेकेंड फोर्थ ऊपर चला गया, और सिर्फ लैंड पर आपको कौन आपको लाइट होते गए, ओनली थर्ड डिजिट, है ना। तो ये आज से लगभग 30 मिलियन ईयर्स वो पहले आया, कितने साल पहले, 30 मिलियन ईयर्स वो पहले, यानी 1 मिलियन में क्या होता है 10^6 होता है ना, तो यानी कि सोचिए कि 10 लाख 10 लाख इंटू 30 कीजिए, उतना साल पहले
आज से पहले आया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखना है अगला जो है पिलियोहिप्पस। पिलियोहिप्पस पिलियोसीन पीरियड में आया, तो पिलियोहिप्पस हिप्पस टर्म जो है आपको हॉर्स के लिए प्रॉपर यूज होता है टर्म, है ना। पिलियोहिप्पस इसका भी लंबाई उतना ही था, हाइट में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। पिलियोहिप्पस एकदम मेरी हिप्पस के जैसे एलोंग थे, है ना। ये लगते थे कैसे आपको जैसे बताया गया यहाँ पर डियर लाइक, तो यहाँ पर आजकल के जो देखते हैं जो डकी जो देखते हैं ना जेब्रा जो देखते हैं उसके ऐसे थे। इसमें अगर देखा जाए तो इनके जो पैर है फोरलिंग है इसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशंस आई, तो सेकेंड और फोर्थ उसी तरीके से, लेकिन थर्ड जो आपको जो डिजिट था वो काफ़ी थोड़ा सा और लंबा होते गया और ये सेकेंड और फोर्थ ऊपर की ओर आपको वर्टिकली जो है अप बॉडी की ओर थोड़ा सा मतलब कि मूव किया, है ना। तो इस तरीके से थ्री जो है और थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, थ्री डिजिट में और लंबे हुए, है ना, उभरे। नेक्स्ट जो ये आया कब, है ना, तो आज से लगभग 10 to 12 यानी कि 10 से 12 मिलियन ईयर से वो पहले आया। लेकिन आज का जो हम लोग जो घोड़े देखते हैं आप लोग सैर सपाट करते हुए देखते हो, है ना, ग्रासलैंड में, तो आपको कौन है इक्वस है। इक्वस जो है आपको 1.6 मीटर इसका हाइट है। तो ये आजकल के जो हॉर्सेस है मॉडर्न हॉर्स टाइप कहा जाता है, इनका जो थर्ड जो है डैट इज काफी डिजिट जो है काफी लंबा है, यहाँ से 1 मिलियन साल पहले। इतना हुआ मैंने बताया इवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस के बारे में।